राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करेंगे नवरात्रे में आप किस प्रकार दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरी तरह से मेरे हस्बैंड ने बनाया है, वही आपको पूरी जानकारियां देंगे कि आपको किस तरह से आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, कौन कौन से नियम होते हैं, उन्हें पूरी तरह से बहुत अच्छे से इस विषय में जानकारी है। इसी वजह से ये सारा वीडियो उन्होंने ही बनाया है। मुझे जानकारी है बट इतनी जानकारी नहीं है जितनी उनको है, तो उनको मुझसे ज़्यादा जानकारी है, इस वजह से ये वीडियो उनके द्वारा मैंने बनवाया है। और काफ़ी टाइम से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ दिखाएं कि किस तरह से किया जाता है, तो आपकी रिक्वेस्ट पूरी हो चुकी है। अच्छा लगता है जब आप अपने पन से हमसे बोलते हैं कि मैडम ये वाला वीडियो आप बनाएं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। प्यारे मित्रों, दुर्गा सप्तशती जो है शक्ति की आराधना हमको नवरात्रियों में किस प्रकार और कैसे करना चाहिए, किन किन कामनाओं के लिए दुर्गा सप्तशती की या दुर्गा की आराधना की जाती है, शक्ति की आराधना की जाती है। तो मित्रों, आपको इसके पहले, आप जैसे आप दर्शन कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती जो है गीता प्रेस से प्रकाशित है। इसमें 700 श्लोक हैं। इसको षडांग विधि से इसका व्रत वो पाठ जो है करना चाहिए। इसका पाठ जो है षडांग विधि से किया जाता है। तो षडांग विधि में आपको सबसे पहले छह विधि, षडांग माने छह होता है, तो छह प्रकार की इसकी विधियां हैं, उनको मिला करके इसको षडांग जो है पाठ बोला जाता है। तो षडांग पूजन जो है, सबसे पहले आपको इसमें कवच का पाठ करना है। लेकिन कवच से पहले आपको जो पाठ करना है वो हम आपको बेसिक बता देते हैं कि आपको जो है पहले तीन बार ऐसे जो है जल लेना है, ओम एं आत्मतत्त्वम सोदयामि नमः स्वाहा, ऐसे पीना है। ओम ह्रीम विद्या तत्त्वम सोदयामि नमः स्वाहा, ओम क्लीम शिव तत्त्वम सोदयामि नमः स्वाहा, एं ह्रीम क्लीम सर्वतत्त्वम सोदयामि नमः स्वाहा, ऐसे हाथ धो करके और जो जूठा जल रहता है उसको, हाथ का जो है उसको बाईं साइड से फेंक देना चाहिए। उसके बाद में फिर आपको सबसे पहले संकल्प करना चाहिए। तो ये संकल्प जो है हम आपको यहाँ बता रहे हैं, ये संकल्प दिया हुआ है सप्तशती में ही, आपको पूरे सप्तशती की विधान बता रहे हैं। तो यहाँ ये संकल्प दिया हुआ है, आप यहाँ संकल्प करें। संकल्प में आपको नाम, गोत्र, तिथि, बार, महीना, इस सब का उच्चारण करना है। अगर आपको संकल्प नहीं आता है तो आप अपने मन में हिंदी में भी बोल सकते हैं। यहाँ से ये आप जैसे हमने आपको तीन बार बताया आचमन करिए, तो ये आत्मतत्त्वम विद्या, इनको जो है तीन बार जल पीना है, इसके बाद हाथ धोना है, ये संकल्प करना है। संकल्प के बाद में जो है ये मंत्र है, ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृतये भद्रायै नियताः प्रणतास्मताम, इस मंत्र को बोल करके और रोली चावल पुष्प में लगा करके और सप्तशती के ऊपर आपको यहाँ ऐसे अर्पित कर देना है। पोथी का जो है पूजन हो गया, आपको पोथी का पूजन करना है। पोथी का पूजन करने के बाद में जो है यहाँ ही आपको फिर जो है ये शापोद्धार है, तो ये साबुदार का विनियोग करना है। तो विनियोग जब आप करेंगे तो इस प्रकार जो है आपको हाथ में जल लेना है, इस प्रकार जल ले करके, और जब विनियोग होगा तो ऐसे आपको जल को पात्र में छोड़ देना है। तो ये साबुदार हो गया। इसके बाद जो है फिर आपको कवच, एक कवच जो है सुरक्षा का कवच रहता है, तो कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। ये षडांग पाठ में जो है कवच आता है, कवच के बाद में जो है अर्गला स्तोत्र का पाठ आता है। ये अर्गला स्तोत्र के बाद में जो है हमको कीलक का जो है कीलक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कीलक स्तोत्र के पाठ में जो है हमको ये षडांग विधि से जो पाठ किया जाता है वो हम आपको विधि बता रहे हैं। फिर जो है तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का ये पाठ किया जाता है। यहाँ तंत्रोक्त रात्रि सूक्त के पाठ के बाद में जो है आपको ये नवारण मंत्र का जो है ये नवारण मंत्र का विनियोग है। विनियोग के बाद में ये सब न्यास दिए हुए हैं, आपको न्यास करना है, और न्यास करने के बाद में जो है आपको प्रार्थना करनी है। तो ये मैया का, तीनों मैया, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, ये तीनों के जो ध्यान दिए हैं तो ध्यान करना है। ध्यान के बाद में जो है आपको ये नवारण मंत्र है, नवारण मंत्र की एक माला का जप करना है। नवारण मंत्र की माला के जप के बाद में आपको जो है यहाँ ये न्यास दिए हैं, तो आपको ये न्यास करना है, तीनों चरित्रों का विनियोग करना है, न्यास करना है। न्यास करने के बाद में जो है यहाँ से ये प्रथम चरित्र से जो है पाठ प्रारंभ होता है।
दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं और 3 चरित्र हैं, और इस ग्रंथ में जो है 700 श्लोक हैं, और ये कवच, अर्गला, कीलक और 3 रहस्य, इस प्रकार मिला करके 13 अध्याय, तो इसको षडांग पाठ जो है कहते हैं। तो इस प्रकार से आप षडांग पाठ करेंगे, और आपकी अगर कोई विशेष कामना है तो आपको ये लगता है कि भाई हमारे यहाँ कोई जैसे किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के घर में कलेश है, तो उसके लिए अलग अलग मंत्रों के संपुट लगा करके और दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जाते हैं, तो उससे निश्चित ही जो है घर की समस्याएं दूर होती हैं। और हमने तो अनुभव वाली आपको एक बात बताएं, तो जिन लोगों की शादी की कोई उम्मीद नहीं है, तो उन लोगों की भी पाठ किया है और 3 महीने बाद शादी हो गई है, आश्चर्यजनक रहा। किसी की 6 महीने बाद शादी हो गई है तो एक आश्चर्य रहा, जैसे किसी की उम्र होगी 35 वर्ष, तो 35 वर्ष की उम्र में एक सामान्य तौर पर देखा जाए तो शादी के चांस कम बनते हैं, लेकिन पत्नी मनोरमा देवी मंत्र का जो है संपुट लगा करके और दुर्गा सप्तशती के नवचंडी पाठ या सतचंडी पाठ करने से निश्चित ही सफलता मिलती है। आपका अगर कोर्ट कचहरी में किसी प्रकार का अगर कोई केस चल रहा है तो उसके लिए भी संपुट लगा करके विशेष कामना के लिए विशेष पाठ जो रहते हैं, और उन पाठों में जो हमने आपको नियम बताए हैं वो नियम जो है इसमें अवश्य अपनाने चाहिए, क्योंकि जितने नियम जो है ब्राह्मण के लिए होते हैं, जो करने वाला होता है उसके लिए होते हैं, उतने ही करवाने वाले के लिए भी रहते हैं। तो एक सूक्त आता है कि सत्य बोलना चाहिए, दया करना चाहिए। पूजा में बैठ गए, पूजा में बैठने के बाद में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध आएगा, आपको एक बात बताएं, क्रोध विशेष आएगा, बार बार छोटी छोटी बातों पर क्रोध आएगा, लेकिन मन को बस में रखना है भाई हमें क्रोध नहीं आया। अगर क्रोध अगर आपने किया तो निश्चित जो है आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि आप जो है अपनी कामना में कहीं ना कहीं असफल होंगे। तो इसलिए प्रयास ये करना है कि भाई क्रोध ना आए। दीपक बुझ गया कोई दिक्कत नहीं है, अगर होता है जैसे पहली बार आप अगर जला रहे हैं अखंड ज्योति का, अखंड ज्योति आपने पहली बार जलाई है तो धोखे से होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रथम अध्याय जो है यानी प्रथम चरित्र जो है, तो इसका प्रथम चरित्र का ये विनियोग दिया है, देखो यहाँ लिखा है प्रथम चरित्र से ब्रह्मा ऋषि, तो ये विनियोग करना है। ये विनियोग बोलने के बाद आपको जल को उसी पात्र में छोड़ देना है, और यहाँ जो है फिर आप मैया का ध्यान करेंगे, एक महाकाली का ध्यान है, तो ये महाकाली का ध्यान करने के बाद में आपको, और यहाँ से जो है आप पाठ प्रारंभ करेंगे। नमश्चंडिकायै ओं ऐं मार्कण्डेयवाचः। अब यहाँ विशेष मित्रों आपको किस कामना से यहाँ पाठ करना है, तो जैसे आपको किसी विशेष कामना है तो उससे अगर आपको पाठ करना है तो यहाँ आपको संपुट लगाना है, तो संपुट किस प्रकार लगाया जाएगा और सादा पाठ किस प्रकार किया जाएगा ये हम आपको बता रहे हैं। तो संपुट में पहले हम आपको 2 श्लोकों में संपुट की विधि बताते हैं कि ऐसे संपुट लगाना है, और फिर सादा पाठ हम आपको बता रहे हैं। ओम नमश्चंडिकायै। अब यहाँ हमको संपुट लगाना है, तो जैसे ओम सर्वाबाध विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। अब एक मंत्र को संपुट के मंत्र से 2 बार आपको बोलना है, जैसे अभी हमने 2 बार संपुट वाला मंत्र बोला, फिर भी यहाँ सावरणी सूर्य तनयो यो मनु कथ्यते कथ्यतेष्टमा निशामया तदुत्पत्तिम विस्तराद गदतो ममा। अब यहाँ फिर जो सर्वाबाध विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। सर्वाबाध विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः सबभूव महाभागा सावरणस्तनयो रवे सर्वाबाध विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। सर्वाबाध विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशया। हमने जो है सर्वाबाध मंत्र का जो है संपुट बोला है, तो आपको यहाँ बताया कि एक मंत्र इसको पढ़ने से पहले 2 बार सर्वाबाधा को पढ़ना है, इसको पढ़ने के बाद फिर 2 बार सर्वाबाधा मंत्र को आपको पढ़ना है, और जब सादा आपको पाठ करना है, ये तो संपुट का पाठ था, अब आपको सादा पाठ करना है, तो यहाँ से जैसे पहले मैया का आपने यहाँ ध्यान किया, महाकाली का ये आपने विनियोग किया, ध्यान किया, ध्यान के बाद में ओम नमश्चंडिकायै ओम ऐं मार्कण्डेय उवाच सावरणी सूर्य तनयो यो मनु कथ्यतेष्टमः निशामया तदुत्पत्तिम विस्तरात् गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः सबभूव महाभागा
सवर्ण स्तनयो रवे, इस प्रकार जो है आपको सादा पाठ करते जाना है। तो इसमें तीन चरित्र हैं, तो ये प्रथम चरित्र जो है यहाँ समाप्त होता है। तो यह जब प्रथम चरित्र जब समाप्त होता है तो आपको बोलना है ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्ण के मनमंत्रे देवी महात्म्य, देवी महात्म्य श्री जगदम्बार बणमस्तु, ऐसा बोल करके वो ये जल आपको यहाँ छोड़ना है। फिर आपको जो विनियोग करना है तो ये ओम मध्यम चरित्र से विनियोग दिया है विष्णु ऋषि महालक्ष्मी देवता उष्ण छंदा सागंबरी शक्ति दुर्गा बीजम वायुस्तत्व यजुर्वेद स्वरूपम श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थे मध्यम चरित्र जपे विनियोगा। ये विनियोग हो गया, इसके बाद फिर जो माँ का ध्यान करेंगे द्वितीय अध्याय। द्वितीय अध्याय के बाद भी आपको इसी प्रकार जो ओम श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्ण के मनमंत्रे देवी महात्म्य जगदम्बार प्रणमस्तु, इस प्रकार बोल करके जल छोड़ना है। फिर ये तृतीय अध्याय आपको यहाँ भी ध्यान करना है मैया का, और ध्यान करके जो है इसका भी इसी प्रकार जैसे हमने आपको बताया उसी प्रकार आपको पाठ करना है। यहाँ जो आप जब समापन होता है तो यहाँ ये नहीं बोलना है कि महिषासुर वध हो तृतीय अध्याय, ये आपको नहीं बोलना है। तो यहाँ बोलना है जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्ण के मनमंत्रे देवी महात्म्य जगदम्बार प्रणमस्तु, और हमारी जो कामना है वो सत्य हो, सत्या संतु मम कामना, ये जो भी। तो यह 14 अध्याय का आप यहाँ ध्यान करेंगे। इसके बाद में जो है आपको ये चतुर्थ अध्याय यहाँ समापन हुआ, अभी मध्यम चरित्र है। तो मध्यम चरित्र में 5वां अध्याय, 6वां अध्याय, 7वां अध्याय, हम सभी अध्यायों के आपको दर्शन करा रहे हैं। तो ये पंचम अध्याय जो है ये यहाँ समाप्त हुआ, ये 6वां 6ष्ठो अध्याय 6वां अध्याय यहाँ प्रारंभ हुआ है। इसके बाद में जो है ये 7वां अध्याय जो 7वां अध्याय ये 7वां अध्याय है। उसके बाद में फिर जो है ये 8वां अध्याय जो है 8वां अध्याय 8वां अध्याय, उसके बाद में जो है 9वां अध्याय 9वां अध्याय 9वां अध्याय, ये किसका वध है ये यहाँ दिया है, लेकिन इसको आपको लास्ट में ये नहीं बोलना है। जैसे यहाँ रक्त बीज वध हो तो ये नहीं बोलना है आपको, जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्ण के मनमंत्रे देवी महात्म्य जगदम्बार प्रणमस्तु, ऐसे बोल करके जो है यहाँ समाप्त करना है। फिर ये जो है 9वां अध्याय यहाँ समाप्त हुआ, यहाँ 10वां अध्याय, 10वां अध्याय के बाद में जो है आपको यहाँ जो है ये 11वां अध्याय 11वां अध्याय, इसके बाद में जो है फिर आपको 12वां यानी 12वां अध्याय, और 12वें अध्याय के बाद में यहाँ जो है आपको 13वां अध्याय यानी 13वां अध्याय, 13वें अध्याय के जो पाठ हो जाएंगे उसके बाद में आपको जो यहाँ है जे माँ को अर्पण करना है। इसके बाद में फिर उत्तर न्यास के लिए आपको यहाँ विनियोग करना है, विनियोग के बाद में न्यास करना है, उत्तर न्यास करना है। यहाँ नमारण मंत्र की जो है आपको ध्यान करके महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती का तीनों का ध्यान करके यहाँ नमारण मंत्र की माला जपना है। इसके बाद में उत्तर न्यास होंगे, उत्तर न्यास करने के बाद में फिर आपको जो है तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम का पाठ करना है, और तंत्रोक्त रात्रि सूक्तम के पाठ के बाद में तीन रहस्य हैं प्रधानिक रहस्य, तो प्रधानिक रहस्य का पाठ करना है आपको। तो प्रधानिक रहस्य में आपको सबसे पहले विनियोग करना है, विनियोग के बाद में आपको पाठ करना है, फिर व्यकृतिक रहस्य है ये करना है, और इसके बाद में जो है व्यकृतिक रहस्य के बाद में ये मूर्ति रहस्य है। मूर्ति रहस्य का पाठ करने के बाद में आप चाहें तो आप ये है द्वात्रिंशति 32 नामावली जो है 32 नामावली माँ भगवती की है, तो आप इसका पाठ कर सकते हैं, और आप चाहें तो शंकराचार्य जी के द्वारा विरचित देव्यापराध क्षमा स्तोत्र इसका भी आप पाठ कर सकते हैं, और आप यहाँ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इसके बाद जो है क्षमा प्रार्थना आपको अवश्य करनी है, तो ये विशेष चीज़ें हैं। अब इसमें जो है मित्रों आपको किस प्रकार जो है माँ की, तो एक सामने माँ का चित्रपट जैसे सामने विराजमान है, तो अगर आप अपने घर पर नवरात्रि में जप करना पाठ करना चाहते हैं तो सामने एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा करके और माँ को जो है आसन दें, आसन दे करके वहाँ एक कलश स्थापन कर सकते हैं चाहे तो आप, और अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, उसको आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा अखंड ज्योति को, तो ये कर सकते हैं। इसके बाद में जो है आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और झूठ नहीं बोलना, पृथ्वी पर सहन करना है, और नाखून वगैरह आपको नहीं काटना है, नाखून वगैरह दाढ़ी वगैरह बाल वगैरह आपको नहीं कटवाना है, ये आपके उसके नियम है। आसन आपको अवश्य बिछाना है, बिना आसन के नहीं बैठना है, और आपके पास अगर लाल वस्त्र हैं तो आप लाल पहने, और पीले वस्त्र हैं तो पीले वस्त्र पहन करके आप बैठें, और माँ का चित्र जो है चित्रपट हो या माँ की मूर्ति हो तो वो आपके सामने अवश्य होना चाहिए, और फिर आप अपनी गुरु परंपरा के अनुसार जितना ज्ञान आपने अर्जित किया है
तो वो अवश्य जो है गुरु परंपरा के अनुसार गुरु जी से अपने सलाह परामर्श लेकर के और गुरु जी से आज्ञा लेकर के आप नवरात्रों में माँ की और शक्ति की आराधना आप कर सकते हैं। दूसरा इसमें मित्रों, कई लोग चाहते हैं कि हम सप्तसती का पाठ करें तो वो संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, तो यहाँ आप देख रहे हैं प्रत्येक किसी भी में भी देखिए, किसी भी अध्याय में आप देखिए, यहाँ प्रत्येक श्लोक का हिंदी में अर्थ दिया है। अगर आप यहाँ श्लोक नहीं पढ़ सकते हैं तो आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि देवता तो जो है भाव के ही भूखे होते हैं। अगर भाव आपके श्रद्धा और अगर विश्वास आपका अच्छा है तो आपका कार्य निश्चित और सफल पूर्ण होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके श्रद्धा और विश्वास के ऊपर ये तय करता है कि आपको कितना श्रद्धा है, कितनी आपके अंदर विश्वास है। तो ये आप गुरु परंपरा अपनी अवश्य पूछें, गुरु जी से अवश्य मार्गदर्शन अवश्य लें। और आप चाहें तो जैसे अगर ये नहीं करना चाहते तो आप खाली नवारण मंत्र का जब करना चाहते हैं तो जैसे हमने आपको बताया था कि यहाँ ये नवारण मंत्र का जो है न्यास है, विनियोग है, इसके बाद ये न्यास दिए हुए हैं, न्यास करने के बाद में ये ध्यान है और ये नवारण मंत्र दिया हुआ है, ये नवारण मंत्र दिया है, ये नवारण मंत्र का जो है आपको ये याद है जाप करना है। नवारण मंत्र का जप करने जब आप जितना चाहें 11,000 21,000 1,00,000 जितना आप चाहते हैं उतना जप कर सकते हैं। और पाठ आपको करना है नवरात्रों में तो आपको जैसे पाठ करना है तो 9 तो पाठ होते हैं इसके, 9 आपको पाठ करना है और 10वां पाठ जो है हवन के लिए होता है। तो आप अगर हवन नहीं करते हैं तो आपको 10 पाठ करना चाहिए। और फिर अगर आपके अंदर किसी प्रकार की कोई शंका है, आपको अगर ये लगता है कि भाई हमसे किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं होगी पाठ से, तो उसके लिए आप एक 11वां पाठ अलग से कर सकते हैं कि भाई हम क्षमा याचना के लिए कि हमसे 10 पाठ हमने जो किए उन 10 पाठों में अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो तो उस कमी की पूर्ति के लिए आप जो है 11वां पाठ या सप्तसती का कर सकते हैं। वो आप हिंदी में कर सकते हैं तो आप 10 करें, आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आपको ये नवचंडी इसको बोला जाता है, जैसे 9 पाठ होते हैं नवरात्रों में तो नवचंडी बोला जाता है, और 100 पाठ होते हैं तो इसको सतचंडी बोलते हैं, सहस्त्र चंडी 1,000 पाठ होते हैं दुर्गा सप्तसती के उसको सहस्त्र चंडी, लक्ष्य चंडी जो बोला जाता है उसमें 1,00,000 दुर्गा सप्तसती के पाठ होते हैं, उसके बाद में आयु चंडी और 10,00,000 पाठ होते हैं दुर्गा सप्तसती को, उसमें ब्राह्मणों की मात्रा जाना मतलब अधिक संख्या में जो है ब्राह्मण लिए जाते हैं। तो ये इसके सब नियम है। और आपको जब भी आप जैसे पाठ प्रारंभ करेंगे तो पाठ प्रारंभ करने से पहले आपको पुस्तक का पूजन और माला का पूजन आपको अवश्य करना।